हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड सेवैयां रेसिपी, जो खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और मीठा पसंद करने वालों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। आज मैं इसको दो तरीके से सर्व करने वाली हूँ, ड्राई फ्रूट्स के साथ और फ्रूट्स के साथ। आपको जैसे पसंद आए आप इसको वैसे सर्व कीजिए और इसका मज़ा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच घी। घी अच्छे से मेल्ट हो गया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 कटोरी सेवैयां। इसको हमें अच्छे से भून लेना है, इसके हम लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें इसको मतलब ब्राउन कलर का ही चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा उससे अच्छी लगती है। सेवैयां कम ज़्यादा आप अपने अनुसार ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास दूध का यूज़ कर रही हूँ मैं। पहले मैंने थोड़ा सा डाला है और अब मैं इसमें पूरा डाल दूँगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे अभी 1 ग्लास दूध यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिला लेते हैं और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने गर्म दूध का यूज़ किया है। आप भी इसमें गर्म दूध का यूज़ कीजिए, इससे जल्दी जल्दी हमारी सेवैयां बनके तैयार हो जाएगी। तो 1 और ग्लास मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ। तो इसको फिर से अच्छे से मिला लेते हैं और इसको अच्छे से पकने देते हैं ताकि हमारी जो सेवैयां हैं वो अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे मैंने फ्लेम को अभी हाई कर रखा है क्योंकि हम इसको लगातार चला रहे हैं, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेवैयां में बिल्कुल भी नहीं जलेगी। तो फ्लेम अभी आप हाई रखिए और आराम से इसको चलाते रहिए। अब यहाँ पर मैं 1 ग्लास दूध और ऐड कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे गर्म दूध का यूज़ कर रही हूँ, तो इसको भी अच्छे से उबलने देते हैं, अच्छे से पक जाए हमारी सेवैयां। अभी तक टोटल मैं यहाँ पे 3 ग्लास दूध का यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनके तैयार होती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, ये हल्की हल्की अब फूलने लग गई है। तो जब तक ये बन रही है तब तक हम अपना कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड ले लिया है और इसमें अब हम ऐड करेंगे ठंडा दूध। यहाँ पे हम गर्म दूध बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, तो पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम बचा हुआ दूध भी डाल के अच्छे से इसको मिला के इसका प्योरी बना लेंगे। एकदम पेस्ट एकदम पतला होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो ये तैयार है और यहाँ पर हमारी सेवियाँ भी देखिए काफ़ी अच्छी फुल के तैयार हो गई है, दूध भी काफ़ी थिक हो गया है, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा थिक है अभी हमारी सेवियाँ। तो यहाँ पर मैं 1 ग्लास दूध और ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये अभी बहुत थिक है और कस्टर्ड मिलाने के बाद तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो एक बार इसको चला लेते हैं और मिला लेते हैं इसमें अपना कस्टर्ड। तो यहाँ पे मैंने सारा कस्टर्ड एक साथ डाल दिया है, इसको चला लेंगे, एकदम ये नीचे ना बैठे इस बात का ध्यान रखें। कस्टर्ड डालते ही हमें इसको तुरंत चला लेना है, आराम से चलाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को अब मीडियम कर दिया है, अब हाई फ्लेम नहीं है, मीडियम फ्लेम में पका रही हूँ अब मैं इसको। तो इसमें मैंने 1 ग्लास दूध और ऐड कर लिया है, अच्छे से मिला लेते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं, उसके अनुसार हम इसमें दूध और मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे वो फिर देखेंगे। तो अभी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी फिलहाल काफ़ी ठीक लग रही है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं शुगर। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी चीनी का यूज़ कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। मीठा ज़्यादा पसंद है तो क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं, कम पसंद है तो उसको कम भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिला लेते हैं इसको और इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, मुझे ऐसा ही ये चाहिए। तो बस मैं इसमें और भी दूध नहीं मिलाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और मिला सकते हैं, और अगर आपको इससे ज़्यादा थिक चाहिए तो आप दूध की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी इतनी क्वांटिटी एकदम परफेक्ट रहेगी क्योंकि होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाता है, बस थोड़ी देर और फिर ये हमारा बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये लीजिए, ये हमारा बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही अच्छा उबाल आ गया, तो फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी है। तो हमारी कस्टर्ड सेवैयां बनकर यहाँ पे तैयार है, आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए या ठंडा करके, ये दोनों ही तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप इसको कैसे भी सर्व कीजिए, ये दोनों ही तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको गर्मा गर्म पसंद है तो आप इसको गर्मा गर्म ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व कीजिए, और ठंडा पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख लीजिए और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें अपने मन पसंद के कोई भी फ्रूट्स कट करके इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो ये दोनों ही तरीके से खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, चाहे तो आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल के सर्व कर लीजिए गर्मा गर्म, या फिर ठंडा होने के बाद फ्रूट्स काट के सर्व कर लीजिए, दोनों ही तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 बाउल्स में ले लिया है अपना कस्टर्ड सेवियाँ और एक में मैं डालने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स कुछ इस तरह, और एक में मैं डालने वाली हूँ फ्रूट्स। तो आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह इसको सर्व कीजिए, ये दोनों ही तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।